मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने कौन सा डिसिप्लिन चूज़ करना है एफएससी के बाद। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कैसे अपने लिए एक बेस्ट डिसिप्लिन चूज़ करना है एफएससी के बाद। देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्शन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जाना किस तरफ चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। आपको पैसा चाहिए, आपको इल्म चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी से। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनसे जब 40 या 50 की एज में पूछा जाता है कि आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, तो वो सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें चाहिए क्या। तो मेरे ख्याल से एफएससी के बाद आप सबसे पहले ये सोचें कि आपको क्या चाहिए, आप करना क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इसके लिए जो दूसरा स्टेप है कि आप किसी दूसरे इंसान को कॉपी ना करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पड़ोस में या आपके रिलेटिव्स में किसी बंदे ने इंजीनियरिंग की या फिर किसी बंदे ने मेडिकल किया और वो अच्छे पैसे कमा रहा है, तो आप उसको देख के क्या कहते हैं कि ये बंदा कामयाब है अपनी फील्ड में, तो मैं भी वही फील्ड चुनता हूँ। ये बात नहीं करनी आपने। देखें, हर इंसान की जो न्यूरल वायरिंग है वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलहदा बनाया है। मिसाल के तौर पर, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अलहदा सांचे से बनाया है। अल्लाह ताला ने एक इंसान को एक सांचे से बनाया और वो जो सांचा था, वो जो फ्रेम था, उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और सांचा बनाया, उससे एक और इंसान बनाया। यानी कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा ही डिफरेंट तरीके से किया है। हर इंसान की जो न्यूरल वायरिंग है वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। इवन के जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी ये बात पाई जाती है कि उनकी जो न्यूरल वायरिंग है वो दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ होती है। इससे क्या साबित होता है कि आप दूसरों को फॉलो करने के लिए नहीं बने। आपको अल्लाह ताला ने एक अलहदा नाम से एक अलहदा खासियतों और काबिलियतों के साथ पैदा किया है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें और देखें कि आपको अल्लाह ने किस काम के लिए दुनिया में भेजा है। तो हम आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। आप अपने आप को एक्सप्लोर करें। देखें, एक्सप्लोर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो सबसे सिंपल और जो फ्री सोल्यूशन है वो बताता हूँ कि पूरी दुनिया में 12 तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पर, मेरी पर्सनैलिटी टाइप जो है वो डिफेंडर है, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। इसी तरह जो हर इंसान है उसकी एक पर्सनैलिटी टाइप है। दो मेन टाइप्स हैं, एक्स्ट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, फिर उनके अंदर कैटेगरीज हैं मुख्तलिफ। आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप कौन सी है? आप क्या करेंगे कि गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट। बल्कि मैं ऐसा करूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल दूँगा पर्सनैलिटी टेस्ट का, आप वहाँ जाके भी अपना पर्सनैलिटी टेस्ट ले सकते हैं। तो उस पर्सनैलिटी टेस्ट का फ़ायदा क्या होगा? उस पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उन क्वेश्चन के आंसर करेंगे और एंड पे आपको आपकी एक पर्सनैलिटी टाइप बताई जाएगी। अब आप क्या करेंगे कि वो जो पर्सनैलिटी टाइप है वो उठाएंगे। मिसाल के तौर पर, मेरी पर्सनैलिटी टाइप है डिफेंडर। मैं लिखूंगा कि स्कोप फॉर डिफेंडर पर्सनैलिटी टाइप, यानी कि जो डिफेंडर की पर्सनैलिटी टाइप्स हैं उनका क्या स्कोप है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यार ये जो फील्ड्स हैं ये मेरे लिए बनी हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि उन फील्ड में भी फर्दर देखूँगा कि कौन सी फील्ड है जो मुझे अच्छी लगती है, यानी कि मैं अपने पैशन को एक्सप्लोर करूँगा। और पैशन को एक्सप्लोर करने के लिए भी आप जो वॉरेन बफेट का फार्मूला है उसको फॉलो करें। मिसाल के तौर पर, जो वॉरेन बफेट ने पैशन को फॉलो करने का फार्मूला बताया है, उसमें आप ये करें कि वो 25 काम लिखें जो आपको अच्छे लगते हैं। आप अपने आप को थोड़ा वक्त दें, हर वो काम जो आपको अच्छा लगता है वो लिखें एक जगह पर। कुछ टाइम गुजरने के बाद आप ये करें कि उन 25 कामों में से कोई से 5 काम सेलेक्ट करें। फिर अपने आप को थोड़ा और वक्त दें, थोड़ा और सोचें कि जो आपने काम लिखे हैं क्या वो वाकई आपको अच्छे लगते हैं। फिर उन 5 कामों में से आप एक काम सेलेक्ट करें, यानी कि ये वो काम है जो आपका पैशन होगा। पैशन का मतलब है कि वो काम, जब आप उस काम को करते हैं तो आप दुनिया से अलग हो जाते हैं, आप उस काम को करते हुए ज़मानो मकान से अलग हो जाते हैं। अच्छा, तो हमारे 3 पॉइंट हो गए कि अपने पैशन को फाइंड करें। अब पैशन को फाइंड करना क्यों ज़रूरी है? देखें, एक इंसान है जिसका शौक़ है किताब पढ़ना और एक इंसान है जो कम्पीट करने के लिए, मार्क्स लेने के लिए किताब पढ़ रहा है। आप खुद सोचें कि एक बंदा किताब पढ़ रहा है और उसको इंजॉय कर रहा है, और एक बंदा किताब इसलिए पढ़ रहा है कि उसे मार्क्स ज़्यादा चाहिए, तो कौन ज़्यादा आगे निकलेगा? जाहिर सी बात है, जो शौक़ से पढ़ रहा है वो ज़्यादा आगे निकलेगा। कैसे? देखें, जो शौक़ से पढ़ रहा होगा ना, वो अगर 5 घंटे भी एक बुक पढ़ता रहेगा तो वो उसे इंजॉय कर रहा होगा। 5 घंटे पढ़ने के बाद भी उसे ये फील हो रहा होगा
कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन जो मार्क्स लेने के लिए पढ़ रहा है, जब वो एक घंटा किताब पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि यार मैंने सारा दिन किताब पढ़ी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है पैशन में और पैशन ना होने में। यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको अपना पैशन एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई हल नहीं है। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, इकिगाई फार्मूला। अब देखें, हर इंसान के मुख्तलिफ शौक होते हैं, कुछ शौक ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोफेशन नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो फुटबॉल खेलता है, और पाकिस्तान में फुटबॉल का स्कोप नहीं है। तो अब हर इंसान के मुख्तलिफ शौक हैं, एक बंदा फुटबॉल खेलता है, साथ में वो और भी उसके दो तीन शौक हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप अपना वो शौक उठाएंगे जिसको आप प्रोफेशन में बदल सकते हैं। इकिगाई बेसिकली जापानियों का एक फार्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें हम बहुत अच्छे हैं, यानी कि हमें अल्लाह ताला ने जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है वो क्या दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो वीडियो एडिटिंग बड़ी ज़बरदस्त करता है, उसके पास ये टैलेंट है गॉड गिफ्टेड, और उसे शौक़ है किताबें पढ़ने का। यानी सबसे पहले हमने बात की टैलेंट की, उसके बाद बात की उसके शौक़ की। उसको टैलेंट था वीडियो एडिटिंग का, उसको शौक़ था किताबें पढ़ने का। उसने उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। उसने क्या किया कि किताबों से मटेरियल उठाया और उनकी वीडियोस बनाना शुरू कर दी। थर्ड पॉइंट, थर्ड में वो ये देखेगा कि यार मैं इन दोनों चीज़ों से पैसे कैसे कमा सकता हूँ, यानी कि मैं इसको अपनी अर्निंग कैसे बना सकता हूँ, मैं इसको अपना प्रोफेशन कैसे बना सकता हूँ। और फोर्थ पे वो ये देखेगा कि मैं इन तीनों चीज़ों को मिला के मैं लोगों के मसाइल कैसे हल कर सकता हूँ। तो ये एक परफेक्ट फार्मूला बन जाएगा इकिगाई का। हर जो इंसान है उसके बहुत सारे पैशन होते हैं, उसको बहुत सारे शौक़ होते हैं। कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गाना गाते हैं, अजीब अजीब तरह के शौक़ होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इकिगाई की जो टेक्निक है उसको अप्लाई करना है अपने पैशन के साथ, अपनी नेचुरल एबिलिटी को अपने पैशन के साथ जोड़ना है, और अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना है, और अपने प्रोफेशन से आपने दुनिया के और लोगों के मसाइल हल करके लोगों की मदद करनी है। तो उसके बाद आते हैं एवरेज पीपल। अब देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये सारी बातें पता होती हैं, ये सारी बातें उन्हें पता हैं पहले से, लेकिन वो सोचते ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है। इन्हें हम कहते हैं एवरेज पीपल। दो तरह की सिचुएशन है जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। एक होता है बर्निंग डिज़ायर, यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करूँ, मैं एक बड़ा इंसान बनूँ। इसे हम कहते हैं बर्निंग डिज़ायर। और बर्निंग डिज़ायर का मतलब है कि आप सुबह शाम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की जस्तजू में आप रात दिन एक कर देते हैं। एक इस तरह के लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके हालात टफ़ होते हैं, जिनके नीचे आग लगी होती है, इन सिंपल वर्ड्स कि उनको टफ़ हालात होते हैं, वो उनसे निकलना चाहते हैं, गुर्बत है, कुछ और मसाइल हैं, वो उनसे निकलना चाहते हैं, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों के पास ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं वो कभी भी अपने पैशन को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, वो कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाएंगे। तो अगर आपके पास भी ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप या तो अपने अंदर ख्वाहिश पैदा करें या फिर अपने हालात के मुश्किल होने का इंतज़ार करें। और आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है इटर्नल लाइफ। देखें, हर इंसान जो है, आप जो भी प्रोफेशन इख्तियार करेंगे, आप जो भी पढ़ेंगे, एट द एंड जो आपका गोल होगा वो होगा एक अच्छी ज़िंदगी, पैसे कमाना। जो इटर्नल लाइफ है ये है कि इंसान जो है वो हमेशा कैसे ज़िंदा रह सकता है। तो देखें, तारीख जो है वो दो तरह के लोगों को याद रखती है, बहादुरों को और इल्म वालों को। अब अगर मैं आपको बताऊं कि सुल्तान टीपू के पास क्या पैसा ज़्यादा था, क्या अल्लामा इकबाल जो था वो बिलीनियर था, नहीं। देखें, अगर आपके पास एक पर्पज़ होगा और वो पर्पज़ या तो इल्म की सूरत में होना चाहिए या फिर ब्रेवरी की सूरत में होना चाहिए, ये जो दो शोबे हैं इनको तारीख हमेशा याद रखती है। अगर आपके पास एक पर्पज़ नहीं होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप आईफोन 12 प्रो मैक्स लेंगे, उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करवाएंगे, आप फिरारी लेंगे या लैम्बोर्गिनी लेंगे, फिर उसके ऊपर आप गोल्ड प्लेटिंग करवाएंगे, यानी आप उल्टे उल्टे काम करेंगे। अगर आपके पास पर्पज़ नहीं होगा तो आपको जो पैसा है वो ख़राब कर देगा। तो पैसा इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, बट विद पर्पज़ इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो आखिरी जो बात है, देखिए, दुनिया में इस वक्त एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जिसकी ना टांगे हैं और ना उसके बाजू हैं। लोग उस पर बड़ा तरस खाते हैं, लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है कि तुम किस तरह अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हो, तो उसने कहा कि
मैं तो फिर भी खुश हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है वो बता दिया है, मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। और वो कहता है कि मुझे उन लोगों पे तरस आता है जिन्हें ये नहीं पता कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और वो करना क्या चाहते हैं। और वो कहता है कि वो लोग एक्चुअल में मुझसे भी ज़्यादा माजूर हैं। अल्लाह हाफिज़। You may have arms and legs, but unless you know three things, number one, who are you and what your value is? Number two, what is your purpose here in life? And number three, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those three questions, you're more disabled than I. Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.